नमस्ते, गुड मॉर्निंग। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में एक बड़ा सा सेल ऑफ आ गया है। ये कैंडल को रेफरेंस लेके हम इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं निफ्टी को, थोड़ा देख लेंगे। ये मेरा एनालिसिस है, अगर है यूज़ होगा तो यूज़ करना, नहीं तो इसको इग्नोर करना है। ओके फाइन। अभी क्या हुआ है, अभी निफ्टी को अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन डालता हूँ तो इसने मतलब ऐसे में एक बड़ा सा ट्रेंड लाइन डालता हूँ तो जिगजैग ऐसे अपसाइड में है। ओके फाइन। निफ्टी में क्या हुआ था, जो लास्ट अपसाइड आया था तो ये जो हाई है, ओके ये जो हाई है इसके ऊपर ये नहीं जा पाया। हाँ, इधर से इसको तकलीफ आने लगा, उसके बाद ये हाई से ये रिजेक्शन होने लगा। ओके बाद में इधर तक नीचे आया था, बाद में ये जो लो है हाँ इसको तोड़ के ये ऊपर, एक्चुअली ये इसका रेंज है, ट्रेडिंग रेंज है। ओके अगर हम देखते हैं तो इसने ये जो हाई है इधर से इसने रिजेक्ट कर दिया है। ओके इसने इसको रिजेक्ट कर दिया है, ये तो एविडेंट था कि भाई ये जो हाई है लास्ट टू डेज का जो भी स्ट्रक्चर है ये लोअर लो था, अगर इसको ऊपर जाना है ये लेवल को ब्रेकआउट करके बाहर निकलना चाहिए था, ये नहीं हो पाया। उसके बाद एक बड़ा सा सेल ऑफ आ गया। हमें दिख रहा है एक मार्केट एक रेड कैंडल बना दिया है, हमारा दिमाग में आएगा भाई मतलब सेल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं ना, ये जो वीकली का रेफरेंस लेते हैं, जो वीकली का जो हाई है इसको इसने रिजेक्ट किया है। ओके फाइन। अगर ऐसा देखते हैं ये वीक के लिए 1 2 3 4 ये वीक का लो है, अगर इसको गिरना है ना, मार्केट को गिरना है, ये लेवल को तोड़ना पड़ेगा। हाँ मतलब ये तो मुश्किल का काम होगा, मार्केट सेल नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो क्या हुआ है, 1 2 3 4 इसने हाई से रिजेक्ट लिया, रिजेक्ट लेने के बाद मेरा जो इंपॉर्टेंट कैंडल है ये वाला है, क्योंकि जब ये अपसाइड में जा रहा था, एक रेफरेंस कैंडल अगर हम स्टडी करते हैं, ये लेवल को इसने अपसाइड में टूटा था, अगर इसको बेरिश बनना है इसके नीचे क्लोजिंग करना पड़ेगा, ये नहीं हो पाया। ओके ये जो कैंडल है ना, ये लास्ट वीक का, हाँ लास्ट वीक का कैंडल था, लास्ट वीक का लोएस्ट कैंडल था, मतलब 1 2 3 4 ये लास्ट वीक का कैंडल है, उसका पहले लास्ट वीक का कैंडल है 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ डे। ये जो हाई है ये इसका क्या था, रेफरेंस कैंडल था, अगर इसको गिरना है ये लेवल को तोड़ना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि भाई प्राइस तो इसके ऊपर ही है। ओके अभी क्या है, अगर मैं ये जो दिन है 22 अप्रैल, अगर इधर जाता हूँ मैं 22 अप्रैल, हाँ 22 अप्रैल तो ये वाला कैंडल है। हाँ तो इसमें जो ट्रेंड है इधर से ये इधर तक आया था, बट मैं ये ट्रेंड का बीच में जो हाईएस्ट वॉल्यूम है ना, अगर आप इन्वेस्टिंग डाटा में investing.com या ट्रेडिंग व्यू में देखते हो, दिस कैंडल इज अ हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल, ये इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर हम देखते हैं ना, उसने एग्जैक्टली वो लेवल से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ओके अभी क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर इज लोअर लो। ओके ये तो गिरना है, ये जो कैंडल है मैं अभी जो बताया 22 का, वो कैंडल को ब्रेक करके नीचे आना पड़ेगा, उसके पहले और एक लेवल बन चुका है, ये वीकली का लो है, लास्ट फ्राइडे का लो वीकली का लो है। ओके इसमें वीकली में कोई ब्रेकआउट नहीं है, मंथली में भी कोई ब्रेकआउट नहीं है, तो ये जो है ये गिरना मुश्किल है। अगर सस्ता हो गया, इसका मतलब है अगर मान लो देखो स्ट्रक्चर लोअर लो है, अगर मुझे बाय भी करना है ना, ये फंडामेंटली प्रूव होना पड़ेगा। फंडामेंटली का मतलब क्या है, अगर लोअर लो है ये तो लो टूट के ही अंदर घुसना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या। अभी क्या है, स्ट्रक्चर लोअर लो ना, ये हाई वोलेटाइल कैंडल है। ओके अगर इसको ऊपर जाना है, अगर इसके नीचे खुला ना, ये मतलब क्या होगा, टेक्निकली ये लोअर लो बन जाएगा, इसके नीचे खुला, शायद इसके नीचे ही खुल सकता है, लेकिन ये तो नहीं गिर सकता क्योंकि इधर एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, वीकली का लो है। ओके हाँ अगर मान लो ये वीकली के लो के नीचे आके ये सेल ऑफ करेगा, मतलब एक सेलिंग कैंडल आएगा, उधर से हम इसको उठा सकते हैं बाई के लिए, सेल तो नहीं करना है भाई। हाँ सेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेल नहीं होगा, अगर सेल भी होगा ना, इसका मैक्स टू मैक्स जो लेवल है ये वाला है, मतलब ये अपसाइड का लेवल है, अगर सेल होना है तो ये लेवल को क्रैक करने के बाद ये लेवल को क्रैक करना पड़ेगा, इनफैक्ट नहीं हो सकता है, ये जो लेवल है इसको क्रैक करना पड़ेगा, नहीं होगा। ओके बाई
हायर आई है तो मैं आराम से बाई कर सकता हूँ, नहीं है। अगर बाई करना है, ये जो लो है, ये लो टूटने के बाद ही मुझे इसमें एक बाई इनिशिएट कर सकता हूँ, मतलब ब्रेक इनसाइड है। अगर मान लो ओपन होते ही सर्रास फटाक से नीचे आ गया, ओपन होते ही लो लो करके आ गया, ये लेवल के नीचे जाने के बाद मैं एक बाई कर सकता हूँ। ओके, नहीं तो अगर मान लो ये इधर किधर भी खुला है, मार्केट इसके ऊपर खुलता है, अगर ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, ये क्या करेगा? ऊपर जाने लगेगा तो ऊपर जाके उसने सेल ऑफ करके ये लो को तो टच करना पड़ेगा। ओके, अगर मान लो ये लो को टच करने के होने के बाद ही हमारा फंडामेंटली ट्रेड एक्टिवेट होगा इंट्राडे के लिए। ये जो लो है, दैट इज अ वीकली लो, समझ सकते हो। ये जो कैंडल है, ये जो जोन है, दिस इज अ सपोर्ट जोन फॉर द निफ्टी। क्या होगा अगर ऊपर भी जाना है बिना ये लेवल तोड़ने के? ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि फंडामेंटली ये को तो लो को टच करना पड़ेगा ही, उसके पहले कोई बाई इनिशिएट नहीं करना है। अगर बाई भी हो गया ऊपर जाके आधा वो 1 घंटे में, क्या होगा? वो फटाक से नीचे का आगा, मेरा जो बाई होगा, अगर बाई भी करना है ये लेवल नहीं, नीचे टूटने के बाद मैं एक अपसाइड में ट्रेड ले सकता हूँ। इधर मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई देखो ये हायर आई था, ओके, ये जो कैंडल है ना ये ऐसे नीचे गिरा था, ओके, बाद में इसका जो हाई है देखो 75.7, इसने वो लेवल को टूटा है। इनफैक्ट ये क्या हो रहा है, मैं जो बताया, हाँ, इसका जो सेल ऑफ है, हाँ, ये हाई मारा, इसके ऊपर नहीं जा पाया ना, इनफैक्ट एक कैंडल है, हाँ, क्योंकि इसने लो से गिरा है। ओके, बाद में ये लो से, ये इसका रेंज है, ओके, इसने ए लेवल को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये जो हाई को ब्रेकआउट नहीं कर सकता है, किया है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना, जो सेल ऑफ आना चाहिए लॉजिकली, लॉजिकली इसमें सेल ऑफ आना चाहिए ये जो लेवल के ऊपर, इसका मतलब है ये लेवल के ऊपर, ये जो लेवल के ऊपर वॉल्यूम बढ़ा के अगर नीचे गिर जाता है, हाँ, वॉल्यूम बढ़ा के अगर ऊपर जाता हुआ है, मैं एक रिट्रेसमेंट का सोच सकता हूँ। ये तो नहीं है भाई, ये तो मतलब हमें दिख रहा है एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखा है, लेकिन इसमें बाई नहीं हो सकता है, शायद बाई नहीं हो सकता है। मैं अगर सेल भी होगा तो क्या होना चाहिए, मैं बताया हूँ, ये लेवल को तोड़ना पड़ेगा पहले, ये लेवल को तोड़ना पड़ेगा ब्रेक इनसाइड फॉर्मेट में, मतलब ये ऊपर, अगर ओपन होके ऊपर गया तो इधर तक आ सकता है, अगर ओपन होते ही फटाफट नीचे आ गया, हाँ, ये लेवल के नीचे से एक बाई फॉर्मेट बन सकता है, बाई स्ट्रक्चर इसमें बन सकता है। ओके, बाद में मेरे पास जो स्टॉक्स है, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट, रिलायंस, मारुति, एलटी, 1, 2, 3, 4, 4 स्टॉक है। मुझे क्या है, ये वीक में 5 ट्रेड चाहिए। इसका मतलब है अभी नेक्स्ट वीक में मुझे 5 ट्रेड है चाहिए, मतलब मेरा जो वॉच लिस्ट है ये वीकली का वॉल्यूम रिकॉर्ड स्टॉक्स है। ओके, इसमें ये स्टॉक्स में हमको क्या है, एक ट्रेड को निकालना है, 5 ट्रेड चाहिए। ओके, मेरे जो इन्वेस्टमेंट है इसके हिसाब से अगर मुझे इसको 20% निकालना है, ये लेवल से मुझे 20% निकालना है, तो मुझे क्या है, तो 5 ट्रेड चाहिए। 1:4 का 5 ट्रेड मिल गया तो मिनिमम 20,000 में कमा सकता हूँ इसका हिसाब से। तो मेरे पास तो 5 स्टॉक है, अगर एक एशियन पेंट में बाई ट्रेड बनता है, भारतीय एयरटेल में भी अगर मैं इसका एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ ना, इसमें देखो ये विद वॉल्यूम नीचे उठ रहा है ना, लेकिन इसमें भी वही चीज़ है भाई, अगर मान लो इसको नीचे करना है ना, ये लेवल को तोड़ना पड़ेगा, ये तो होने वाला चीज़ नहीं है। देखो क्या हुआ है, इसमें मार्च मंथ में इसका ब्रेकआउट हो चुका था, एक कैंडल ने किया था, ओके, ये कैंडल ने किया था, इसका जो हाई है 81, इसका मतलब है इसका अंडररेटिंग लेवल 1280, 1280, ओके, ये लेवल है, इसका क्लोजिंग ऊपर ही है, इसका मतलब है बुलिश है, सेल नहीं करेंगे भाई, इसको सेल नहीं करना है। ये जोन सेल कर सकते थे, लेकिन इसमें सेल करना नहीं हो सकता है। हाँ, सेल भी होना है ना, ये लो है ना, ये लो टूटना पड़ेगा, ये लो टूटना पड़ेगा, ये भी एक्चुअली ये बेरिश है, मतलब अगर कोई स्ट्रांग स्टॉक वीकली के नीचे आ चुका है तो इसमें हम बाई कर सकते हैं। देखो ये वीकली के नीचे आ चुका है, लास्ट वीक के लो के नीचे आ चुका है, तो इसमें एक बाई इनिशिएट कर सकता हूँ। लेकिन आज मंडे है तो वीकली लो वो नहीं है,
ये वाला है, अगर मुझे इसको बाई भी करना है ना, ये लेवल टूटने के बाद एक बाई ट्रेड में मैं इसमें घुस सक सकता हूँ, घुस सकता हूँ। सेल नहीं हो सकता है भाई, सेल नहीं हो सकता है, सेल करना भी है तो मुश्किल है। ये वाला सेल हो सकता है ये लेवल तक, मतलब इसका जो इम्पोर्टेंट कैंडल है इधर किधर भी आएगा, ओके इधर तक आना मुश्किल था हमें। ये तो ब्रेकआउट दिया है अपसाइड में, ये रिट्रेस कर रहा है, एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये तो ऊपर जाना है, सेल नहीं करना है। 1 2 3 4 ए वीकली का लो है ना, ये लो टूटने का, देखो स्ट्रक्चरली इट इज लोअर लो, राइट, स्ट्रक्चरली इट इज लोअर लो। अगर मान लो इसको मुझे सेल करना है, ब्रेक इन से ट्रेड करना पड़ेगा, इसका मतलब है मार्केट खुलता है अगर ये रेजिस्टेंस के तरफ, इसका रेजिस्टेंस जो पड़ा हुआ है इधर, अगर इसके ऊपर जा सकता है, इधर कोई फॉर्मेट बनेगा सेल का, ब्रेक इन साइड होके ये क्या करेगा, वीकली लो जो है ये इधर तक आ सकता है। अगर मान लो ओपन होते ही फटाफट नीचे आने लगेगा, ये लेवल टूटने के बाद, ये लेवल टूटने के बाद मैं बाई एक इनिशिएट कर सकता हूँ, शायद आज बाई नहीं मिल सकता है इसमें। अगर ऐसा देखा तो एशियन पेंट एक स्टॉक है, इसमें भी वॉल्यूम ब्रेकआउट ही है, लास्ट वीक का ब्रेकआउट है। इसमें देखो मैं सब कुछ हटाता हूँ, इसमें अगर मैं इसमें देखने का कोशिश करता हूँ ना, देखो स्ट्रक्चर हायर आई है, हाँ मुझे करना बाई है तो स्ट्रक्चर हायर आई है तो बेस्ट है। इसमें एक चीज़ है, देखो अगर मुझे इसको बाई भी करना है ना, ये स्ट्रक्चर हायर आई है तो क्या है, इसका जो इम्पोर्टेंट कैंडल है एक्चुअल क्या है, इसमें ब्रेकआउट आया था, इसमें इसने सपोर्ट ले चुका है, बाद में ये सपोर्ट जोन है, बाद में ये हायर आई कर चुका है, तो इसका क्या है, 97 से ये लो है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट कैंडल है 45.1, ओके ये इसका इम्पोर्टेंट लेवल है, ओके इसके नीचे ही ये ओपन हो रहा, मतलब शायद इसके नीचे ही हो सकता है, वीकली ओपन हो सकता है इसमें, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट कैंडल है जो ब्रेकआउट आया है ये वाला है, दिस इज अ सपोर्ट। अगर मुझे इसको सेल भी करना है, इसमें भी वही चीज़ है, लो टूटना पड़ेगा, पहले इसमें लो टूटना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बाई इनिशिएट कर सकता हूँ। उसके पे अगर मान लो इसको अगर मुझे बाई भी करना है ना, ये लेवल के ऊपर खुलना पड़ेगा इसको, ये जो इम्पोर्टेंट कैंडल है ना 45.1, ये है ना इम्पोर्टेंट कैंडल, ये लो है, हाँ अगर मुझे बाई भी करना है ना, हाँ तो ये लेवल के ऊपर खुलना पड़ेगा इसको, ओके अगर ये लेवल के ऊपर खुल के नीचे आ गए तो मैं आराम से बाई कर सकता हूँ, क्योंकि इसको हायर ही करना है। हाँ अगर मान लो ये लेवल के नीचे खुलता है, भले ये सपोर्ट है, ये टूटने के बाद ही मुझे इसमें ट्रेड करना पड़ेगा बाई हाइपो में, ओके सेम चीज़ है, मतलब मारुति रिलायंस में भी एक सस्ता हो चुका है, देर शुड बी ए बाई, ओके सो दिस इज माई हाइपोथिसिस, मैं सब कुछ बता दूँ, समझने का कोशिश करो। इसका जो इम्पोर्टेंट कैंडल है निफ्टी का, ये वाला है भाई, ओके ये जो कैंडल है ये इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंट कैंडल भी मैं बता दिया हूँ, उधर जाके इसको देखना, वो लेवल पे मॉनिटर करना, स्ट्रक्चर लोअर लो है, ये हाई वोलेटाइल है, लो वोलेटाइल, लो टूटने के बाद ही इसमें अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। हाँ जो बताया मैंने ये मेरा एनालिसिस है, हाँ तो आप खुद का एनालिसिस करो, एक छोटा सा मतलब आपका जो कैसे ट्रेड कैसे करना है भाई, देखो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है ना उसका 1% का रिस्क लेना है, इसका मतलब है अगर मेरे पास 1 लाख है तो इसमें मैं 1% मतलब 1000 रुपीज का रिस्क लेके इसमें इसको ट्रेड कर सकता हूँ, करना चाहिए। अगर मेरा लॉस हो गया 1000 रुपीज जाएगा, अगर आता भी है तो 4-5% इसमें मुझे निकलना चाहिए, वही होता है ट्रेडिंग, एक अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर कोई बेवकूफ़ी कर दिया ना, बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं बार बार बोलता हूँ रोड पे आना है, मार्केट मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, अगर कोई बेवकूफ़ी करके बिना नॉलेज आप ट्रेड करते हो ना, तो रोड पे आना निश्चित है भाई, आपको बुरा लगेगा मैं जो बताता हूँ, फिर भी ये सच्चाई है। टेक केयर।